नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे और मैं हूं आपके साथ मानसी सिंह। भारत आकर करोड़ों की कमाई करने वाली हॉलीवुड की फिल्मों में दर्शकों से भारतीय कलाकारों ने अपना दबदबा बना रखा है और विदेशी प्रोडक्शंस ने भी हमेशा से ही उन्हें सम्मान के साथ अपनी फिल्मों में कास्ट किया है। ये सिलसिला आगे भी बदस्तूर जारी रहने वाला है क्योंकि अब बॉलीवुड की अभिनेत्रियां विदेशी फिल्में खासकर हॉलीवुड में अपना दबदबा कायम करती जा रही है। चार दशक पहले जब पहली भारतीय अभिनेत्री परसिस खंबाटा ने हॉलीवुड में अभिनय किया था, तब से करीब दर्जन भर अभिनेत्रियों ने हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग की धाक जमाई है। फिल्मी पंडित बताते हैं कि इसके पीछे ना सिर्फ इन अभिनेत्रियों का टैलेंट है बल्कि उनकी ग्लोबल फैन फॉलोइंग भी है। आलिया भट्ट ने नेटफ्लिक्स की हार्ट ऑफ स्टोन फिल्म से हॉलीवुड में कदम रख रही है। इसे ब्रिटिश फिल्म निर्माता टॉम हार्पर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है। साउथ की सुपरहिट एक्ट्रेस समांथा प्रभु भी हॉलीवुड में दम दिखाने को तैयार है। फिल्म अरेंजमेंट्स ऑफ लव से वो अपना हॉलीवुड डेब्यू करने वाली है। समांथा फिलिप जॉन की फिल्म में डिटेक्टिव एजेंसी चलाने वाली बाइसेक्सुअल तमिल महिला का किरदार निभाई। जैकलिन फर्नांडिस को भी हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला है। हाल ही में उन्होंने टैलेंट लाइक अ वुमन में अपनी हॉलीवुड डेब्यू की घोषणा के साथ पोस्टर जारी किया था। इसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों से 8 महिला निर्देशकों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। फिल्म में जेनिफर हडसन, ताराजी पी हेंसन इस और सहित अन्य कलाकार होंगे। वैसे तो विदेशी फिल्मों में भारतीय कलाकारों के काम करने का सिलसिला 30 के दशक में ही शुरू हो गया था। हॉलीवुड में काम करने वाले भारत के पहले एक्टर साबू दस्तगीर थे, जिन्होंने 13 साल की उम्र में अपना हॉलीवुड डेब्यू किया। साबू ने 1935 में रॉबर्ट जे फ्लेहर्टी की फिल्म एलिफेंट बॉय सहित द ड्रम, द थीफ ऑफ बगदाद, अरेबियन नाइट्स, कोबरा वुमेन और तंजार जैसी कई फिल्में की। 1942 में फिल्म द जंगल बुक में मोगली का किरदार निभाकर उन्होंने खूब तारीफें बटोरी थी। भारत छोड़ने के बाद साबू ने अमेरिका की नागरिकता ले ली थी। 39 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। बॉलीवुड में एक्टिंग का दबदबा के बाद प्रियंका चोपड़ा ने न सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया बल्कि अब तो वो वहां एक बड़ा नाम बना चुकी है। पहले क्वांटिको सीरीज, फिर फिल्म द व्हाइट टाइगर, बे वॉच, ए किड लाइक अ जेक और पिंक पैंथर जैसी फिल्म में भी काम किया। उनके वर्ल्ड ऑफ कैलम, इट्स माई सिटी और सुपर सोल जैसे हॉलीवुड शो भी आए। हाल ही में उनकी फिल्म लव अगेन रिलीज हुई। पिछले दिनों हॉलीवुड फिल्म सिटाडेल के प्रमोशन के मौके पर भारत आई प्रियंका का कहना है कि उन्हें हॉलीवुड में जगह बनाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े। उन्होंने कहा, हॉलीवुड में उन्हें 10 साल हो गए हैं और अब जाकर लोग भरोसा करने लगे हैं। वहां मुझे साइडलाइन नहीं किया गया। उनका नजरिया अब हम बॉलीवुड वालों के प्रति बदल रहा है। 10 साल काम करने के बाद मैं उस मुकाम पर पहुंच गई हूं जहां मैं उस तरह की भूमिकाएं कर रही हूं जिसके लिए मैंने वास्तव में कई मेहनत की है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन टुडे।